मेला, कोई फेस्टिवल या इस तरह की कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है, लेकिन एक अलग ही तरह की, एक आप कह लीजिए शो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज किया है चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स की रोड के ऊपर। और यहाँ पर आपको चंडीगढ़ के यहाँ तक पहुँचने की कहानी, चंडीगढ़ में क्या-क्या परिवर्तन हुए, समय के साथ-साथ क्या बदलाव आए, वो सारे आपको पेंटिंग्स और फ्लेक्स के थ्रू यहाँ पर पता चल जाएगा। और एक मजेदार बात जो यहाँ पर है वो है यहाँ पे आर्टिस्ट। यहाँ पे इन्होंने बहुत तरह के आर्टिस्ट को इकट्ठा किया, जैसे ये आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये एक पूरी लेन बनाई है जहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए पेंटिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें चंडीगढ़ के शहर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हैं। और सबसे मजेदार बात है कि ये पेंटिंग्स जिन आर्टिस्ट ने बनाई हैं, आप उस आर्टिस्ट से यहाँ पर बात भी कर सकते हैं, अगर किसी पेंटिंग के बारे में आप कुछ ज्यादा जानकारी ले सकते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कला को जानने वाले या कला को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये एक मस्ट गो शो है। तो अभी ये 16 तारीख को शुरू है, 18 तारीख तक संडे तक चलेगा, तो आप जरूर जाइए, अपने बच्चों को भी साथ लेके जाइए। जैसे ये देखिए, ये एक पाइप के थ्रू एक इस तरह से फुटस्टेप्स बनाए गए हैं कि भारत की आजादी का सफर कैसे छोटे से रूप में शुरू होते हुए उसने एक बड़ा रूप लिया और भारतवर्ष उसके बाद आजाद होकर आज एक बड़े बरगद वृक्ष की तरह खड़ा है। ये सारा को दर्शाने की कोशिश की गई है इस छोटे से पाइप की रेलिंग के थ्रू, तो काफी इंटरेस्टिंग लगाइए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एनजीओस भी आए हुए हैं जो अपनी अलग अलग गतिविधियां जो चंडीगढ़ में हो रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कुछ एक पेंटिंग्स या कुछ एक ऐसी कलाएं जो अब लुप्त होती जा रही हैं, ऐसी भी कलाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और हम उन आर्टिस्ट से भी आपकी बात कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं चंडीगढ़ अर्बन शो देखने के लिए। यहाँ ये अर्बन आर्ट फेस्टिवल है, कंटेम्प्रेरी आर्ट, जहाँ पे हम चंडीगढ़ को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट किया अब इसमें कि वुड ब्लॉक, जैसे हम यहाँ पे ये वुड कट प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जहाँ जहाँ पर हमने कट किया है वहाँ वहाँ पे वो अंदर चला गया और ऊपर वाला एरिया बचा है। तो जहाँ पे हम इंक्स लगाएंगे अब तो ऊपर वाले एरिया पे लगेंगे और जहाँ से कट किया वहाँ पे नहीं लगेंगे। तो ऐसे करके हम इसको वुड कट प्रिंटिंग कहते हैं। तो ऐसे करके हम उसके प्रिंट्स लेते हैं। अभी हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट में, और जो मैं अभी कर रही हूँ इसे मैंने सुखना लेक का बैकग्राउंड दिखाया है, उसका सनसेट, और यहाँ पे ये सारा चंडीगढ़ के साइन बोर्ड्स, और नीचे सारा जैसे होता है जलमार्ग लिखा है यहाँ पे, जो भी प्रॉपर चंडीगढ़ का होता है उसके ऊपर बनाया है मैंने। तो ये जो प्रोसेस है ये इतना फेमस नहीं है। तो ये होता है प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में वुडकट रिलीफ प्रिंट मेकिंग हम ये कॉलेज में सीख रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से हूँ मैं। तो ये पुरानी टेक्निक है जिसको संजोए रखने की एक कोशिश है। ये मैं कैरिकेचर बना रहा हूँ, कैरिकेचर तो कॉम्पोज किया हुआ है और इसको क्ले मॉडल कर रहा हूँ। तो ये क्ले मॉडलिंग की डेमोन्स्ट्रेशन है ताकि पता लगे ऐसा भी। तो आप इनका ही एक कैरिकेचर बना रहे हैं? तो एक्चुअली कॉम्पोजिशन है, मैंने प्लान कर लिया, वो फुल फिगर है, उसमें नीचे भी है नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आपका नाम? मेरा नाम कोमल है। हम डॉन बॉस्को नवजीवन सोसाइटी की तरफ से हम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने आए हैं, और हमारा एनजीओ डॉन बॉस्को और उनकी वेलनेस के लिए काम करते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस 500, उसके बाद 6 फ्री है।
बीए का कोर्स भी करवाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हमारे यूनिवर्सिटी की फीस होती है, हमारी एजुकेशन फीस नहीं है, हम क्लासेस लेते हैं बट हमारी एजुकेशन फीस नहीं है। आप जिन बच्चों को सिलेक्ट करते हो या लेडीज को करते हो उसका क्राइटेरिया क्या है? 18 प्लस बच्चे या लेडीज या मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों आ सकते हैं इधर, और प्लस वन प्लस टू भी करवाते हैं ओपन। उनके चार्जेस फाइनेंशियल स्टेटस भी कुछ मैटर करता है या कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, कोई भी कर सकता है। कितने डॉल हो चुके हो? वाओ सो वंडरफुल, यू आर अ मैजिक, यू आर अ मैजिक। तुम डॉल हो चुके हो, तुम डॉल हो चुके हो, मेरे दूसरे हाथ से बहुत डॉल हो चुके हो। थैंक यू फॉर बिकमिंग टॉल, शुक्राना फॉर बिकमिंग टॉल, थैंक यू फॉर बिकमिंग टॉल। चलिए अब सब लोग अपने हाथ को नापेंगे वापस, दोनों हाथ जोड़ेंगे। हो गया नंबर बताइए, हो गया, हो गया, हो गया, शोर मचाइए जी जिसका नंबर हो गया। अब ये क्या चीज दिखाई है, एक बात समझिए इसको। आप लोगों को लगता है कि ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, लेकिन हम बने हैं 50 ट्रिलियन सेल से, 50 लाख करोड़ सेल से, और हर एक सेल हमारी आवाज सुनता है। अगर हम लाइफ में बोलते हैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, कितनी बार बोलते हैं ना हम लोग, सच सच बताओ बोलते हैं? तो एक्चुअली यूनिवर्स वैसा ही कराएगा। अभी आप लोगों ने देखा कितनी जल्दी हाथ लंबा हो गया, मींस हर वक्त हमारी बॉडी हमारी अगर हम किसी बुक को खोलेंगे और बोलेंगे ये तो मुझे याद नहीं होगा, तो कभी भी याद नहीं होगा। हम एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है वृद्धि एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, एंड इट इज इन जगतपुरा जूनियर 48 मार्केट के पास है। हमारा मेन एम है एक बच्चे को जब पहले दिन मैंने देखा था, ये लोग स्कूल नहीं जाते थे, फर्स्ट डे कहीं पे अपने घर में काम करते थे, कोई कोठी में जाता था, कोई प्रैक्टिकल्स थे, तो रास्ते में ऐसे ही छोटे मोटे काम के लिए जाते थे। बिकॉज ये लोग इनके माँ बाप, ये लोग बहुत सारे भाई बहन हैं, इनके माँ बाप के पास होती है इंसान को स्कूल में पढ़ाना, थोड़ा सा खर्चा उठाना, इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो मैंने एक एक करके जब शुरू किया था, 10 बच्चे से शुरू किया था सेम जी ओ, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आज हमारे पास 150 बच्चे हैं, और इनका हमारा काम है सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा के, उनको लिटरेसी दे के, पढ़ा के, आप भी सरकारी स्कूल में हम डाल देते हैं ताकि लोग मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में आ जाए। और लेकिन हमारे पास ऐसे भी बच्चे की क्लासरूम है जहाँ पे 16, 17, 18 साल के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, और यहाँ पे फिर उस बच्चे को स्कूल में नहीं जा पाएंगे, 14 साल हो गए, तो हम इसको क्या करते हैं। फिर आगे सामान आप देख रहे हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब इन्हीं बच्चों का हाथों का काम है, जो इसी में इनको जो अर्निंग होते हैं, अगर ये बिक जाते हैं तो इन्हीं को ये शेयर मिलते हैं, और इसी से ये लोग अपना पढ़ाई करते हैं और माँ बाप को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। हमारा मेन यही है कि तो मैम, जैसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ पे आपके एनजीओ को स्टॉल लगाने के लिए कुछ चार्जेस हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट मिला? फ्री, वी आर वेरी थैंकफुल कि हमको बिल्कुल फ्री में दिया हुआ है, एंड बहुत सपोर्ट किया सारे बच्चों की, आप आइए, हमारा बच्चा कल भी आएंगे और रैंप शो करेंगे, सबसे अच्छे यही बच्चे अपने प्रोडक्शंस डाल के एंड इनर व्हील चंडीगढ़ हारमोनी के साथ ये रैंप शो करेंगे 3 बजे। तो जो भी अवेलेबल है मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे जरूर हमारे बच्चे को प्रोत्साहित करें। है सर, असी हैप्पी नेचर तो हाँ, असी 2016 तो साढ़े डेयरी फार्म असी ओपन किए थे, पहला फार्म राजपुर है, दूजा पंजौर के, साडा जिहड़ा मेन काम हैगा वो प्योर फार्म फ्रैश प्रोडक्ट्स देता है। तो इस टाइम 5,000 कस्टमर है जिहड़े साडे ते ट्रस्ट करते हैं चंडीगढ़ के, उस तो इलावा लुधियाना बाकी होर शहरां दे विच भी असी अपने प्योर प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। साडा जिहड़ा यह बिजनेस आ, यह इसी मकसद ना किया शुरू कि किदा प्योर ते फ्रैश प्रोडक्ट्स असी डिलीवर कर सकते हैं।
होर खासियत जे मैं अपने प्रोडक्ट की करा तो साढ़े हारमोन फ्री ते कैमिकल फ्री प्रोडक्ट होंगे ने असी यह सीधा घर दे विच दे के आउंदे आ उहदा कारण यह है क्योंकि साढ़े प्रोडक्ट की जी शेल्फ लाइफ आ वो बाकियों नालों काफ़ी घट आ नैचुरल होने करके जे घर जाएंगे तो ही लोगों को यह स्वाद मिलेगा। मैं थोड़े इस चैनल राही लोगों बेनती करना चाहता कि एक बार साढ़े प्रोडक्ट वरत के देखो जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे थोड़ा पता नहीं लगू कि क्वालिटी असं डिलीवर कर रहे हैं। सर एक छोटी जी गल चंडीगढ़ या पंजाब सब तो व्डा ब्रांड वेरका है जेड़ा एक एसटैबलिश ब्रांड है तो गवर्नमेंट का ब्रांड है वो अपने आप को किदा एज रखोगे या प्राइस वाइज कि कॉम्पीट करोगे। देखो जेडे आह वेरका हो गया जो बड़ी बहुत बड़िया कंपनियां ने इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिता दुध की इंडस्ट्री को अज तुम जो देखा जाए तो जेडे इन्ने वे पद्धर से फार्मर्स दुध पैदा कर रहे हैं इन्हों की ही यह योगदान आ। पर मेरा जो मनना यह मेरा अपना परसनल व्यू आ कि इन कंपनियां ने क्वांटिटी से बहुत बड़े पद्धर से काम किया है साडा जिहड़ा काम असी क्वालिटी से करते हैं तो सानू जो डिफरेंशिएट तुसी कर सकते हो वो कर सकते हो कि साडी क्वालिटी फ्रैश हुंदी है सीधा फार्म तो अपने फार्म तो घर डिलीवर करते हैं तो जिहड़े वेरका जां फिर होर वड्डियां कंपनियां ने यह कलैक्शन सेंटर मॉडल पर काम करदियां ने किलो किलो दो दो किलो पिंडां चों इकट्ठा करते हैं तो फैक्टरी जाता फैक्टरी चों जाके फिर शॉप च जाता शॉप तो फिर गाहक दे घर जाता यह जिहड़ी चेन आ जिहड़ी सप्लाई चेन है बहुत लंबी हो जाती है तो हुण उहदे करके की है कि जिहड़ी फ्रैशनैस उह घट जाती है पर साडे प्रोडक्ट दे विच फ्रैशनैस प्रिजर्वेटिव फ्री वो गल्लां करके तुसीं कंपेयर किया जा सकदा यही दो जिहड़ियां चीज़ां आ इहदे नाल तुसीं कंपेयर किया कर सकते हो। सर जे शैल्फ लाइफ की गल की जाए क्योंकि जे इस च प्रिजर्वेटिव नहीं है तो शैल्फ लाइफ एक घट होनी चाहिए या ज़्यादा होगी। ये डेफिनेटली सर जे प्रिजर्वेटिव नहीं है तो शैल्फ लाइफ घट होनी चाहिए है तो घट ही हैगी है साडी ताही इस गल करके असी शॉपा शॉप या फिर किसी होर जगह पर खुद नहीं रखते हैं तो आप डिलीवर करते हैं ताकि इमीडिएटली गाहक के घर जाए गाहक उस दुध को बॉयल कर ले या फिर पनीर को बना ले ताकि खराब ना हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन जिहड़ा अजकल एक बड़ी गल चली है कि प्लास्टिक बैन पर गल चल रही है तो सब तो पहला जिहड़ा मार्केट गल चल रही है कि प्लास्टिक के जिहड़े मिल्क के जिहड़े बैग है इहदा भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि रोज़ हर घर च मिल्क बैग आता है तो तुम कोई स्ट्रैटेजी सोच रहे हो जो फ्यूचर से मिल्क बैग बंद हो गए तो किदा पैकिंग करोगे या पुरानी कंच दी बोतल आनगे दोबारा। देखो सर इस गलते असी भी बहुत असी भी सोचते हैं भी की करना चाहिए पर असी एक वक्री इनिशिएटिव लिता हुआ असी गाहकों को यह कहें कि तुम जो साडे प्लास्टिक बैग्स ने उन्होंने घर के धो के रख लो एक बार तो असी आप चैक उतों कलैक्ट कर लेंगे कस्टमर तो तो असी चाहते हैं कि वह डस्टबिन के ना जा सीधा सीधा रीसाइकलिंग के यूनिट के चल जाए क्योंकि ये जिन्ना भी प्लास्टिक है साडा ये रीसाइकलेबल आ। नहीं सर रीसाइकल वाली गल बिल्कुल ठीक है बट गवर्नमेंट ये कह रही है कि आने वाले टाइम तो शायद इस पॉली बैग के उपर ही बैन लग जाएगा तो जिदा पुराने टाइम च कंच की बॉटल के दुध आता सी दोबारा आप देखने फ्यूचर जे बहुत बड़े पद्धर से यह मुहिम चलाई है तो असी भी उस चीज उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहवे कोई ये दो राय नहीं हैगी पर जी कॉस्ट इनक्रीज होगी वह भी सबनों देखना पवेगा क्योंकि कच्च की बॉटल जी 6 to 7 rupees पर लीटर की कॉस्ट एड ऑन कर देती है कंपेयर टू दी प्लास्टिक। नमस्कार मेरा नाम संगीता है मैं DIR NGO में एज अ हेल्थ प्रमोटर काम करती हूँ। आज हमारा यहाँ पे सोशल सब्सटेंस के थ्रू ये स्टॉल लगा है जिसमें हमने सारी हैंडमेड चीज़ें रखी हैं हमारी जो टेलरिंग इंचार्ज है संतोष मैम इनकी हेल्प और इनकी गाइडेंस के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। हमारी जो NGO है DIR इंडिया इसकी डॉक्टर आशा CEO है और हमारा जो आज के स्टॉल में सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है ये हमारा सैनिटरी पैड है ये रीयूजेबल वॉशेबल है और ये गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है। इसकी जो लाइनिंग है ये बहुत लीक प्रूफ और ये स्किन फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है जैसे कि आप बाकी पैड्स यूज़ करते हैं वो अगर एक पैड अगर कोई लेडी यूज़ करती है तो उसको 2000 साल लगते हैं कंपोस्ट होने में हमारी धरती में एब्जॉर्ब होने में लेकिन ये स्किन फ्रेंडली है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इस तरीके से है क्योंकि इसको आप वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। 4 to 6 hours ये आराम से चलता है लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं बहुत अच्छे लोगों ने इसके फीडबैक दिए हैं और ये मतलब आपको कहीं थ्रो नहीं करना पड़ेगा आप इसको पैक करके वापस रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। हमारी मैम अभी आपको पैक करके दिखाएंगी ये कैसे पैक हो जाता है और आप इसको दोबारा से
यूज कर सकते हैं और कम से कम 2 साल आप अगर इसको अच्छे से हैंडल करें तो 2 साल तक दोबारा चल सकता है। देखिए ये बिल्कुल, आप इसको जितना ज्यादा अगर प्रमोट कर सकते हैं प्लीज कीजिए, क्योंकि केमिकली प्रोडक्ट जो होते हैं थोड़े टाइम यूज करने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, लोगों को कट्स हो जाते हैं, रैशेज हो जाती हैं और स्किन में कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोगों को गनोरिया, कई ऐसे वाइट डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो गायनी से रिलेटेड होती हैं। तो औरतों को अगर हम ये ज्यादा से ज्यादा बताएं, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा बताएं, तो ये हमारे सिर्फ अपने लिए नहीं हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेयर्स हमारी लगी हुई हैं, अंदर थिन लेयर्स लगाई गई हैं, 3 लेयर्स का ये बनाया गया है, स्टिच किया गया है और ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा यूज करें उसके बाद किसी को हैवी ब्लीडिंग हो, किसी को लाइट ब्लीडिंग हो, ये दोनों ही सूरतों में बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही लाइट वेट है, आपको लगाने के बाद पता भी नहीं चलता है। आई एम पुनीत मदान, आई एम अ टीचर इन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 41D। आई एम ऑल्सो अ वेल नोन eminent artist and a world record holder. I have made 12 world records at present and my name is also enrolled in World Art and Artist Directory of Artists, and you can find my name in various world record books. I have made abstract art. I have made abstract art and I have made a mother of a sheer. फिर उस तो बाद दिस इज फ्लूइड आर्टवर्क एदिश दिखाई हुई है कि तुसी जे नेगेटिविटी दे विच हो ते तां भी तुहानू विचों ग्लोइंग बंदे ऐसे निकलणगे जिन्हां दे विच कुछ ना कुछ है। सो पॉजिटिविटी इज ऑलवेज देयर। एदे विच जिस तरह दिखाया है इट इज नॉट के वेव्स ही है, एमे वेव्स दे थ्रू लाइफ दिखाई हुई है कि किते तो तुहानू जिहड़े हैगे ने तुहानू लाइफ ऐसी होएगी कदे तुहाडे किन्नी तरह दी ऑब्सट्रक्शंस आ गया। ए टाइम विल कम जदों तुसी एकदम राइज भी करोगे क्योंकि गॉड इज आफ्टर देयर, गॉड इज ऑलवेज देयर। कदे भी अपने आप नूं पिछे ना सोचो किसी चीज़ से। फिर उस तो बाद इत्थे मैं जिहड़ी अपनी चीज़ां लगाई हुई हैं एट प्रेजेंट, जिस तरह जीजस क्राइस्ट दी है बनाई हुई है, दिस इज इन एक्रेलिक पेंट्स, दिस आर फ्लूइड आर्ट्स। फ्लूइड आर्ट है मेरे 6 ईयर दे स्टूडेंट, क्योंकि मैं वर्कशॉप्स लैंदी हैगी हाँ, सो फ्लूइड आर्ट जिहड़े हैगे ने कराई जदों वर्कशॉप, दीज आर 6 ईयर स्टूडेंट है, दोनों ही वक्रे वक्रे ने जिन्हां नूं कराई है। दिस इज कॉफी पेंटिंग उपर जिहड़ी लगाई हुई है, दिस इज ऑलसो एक्रेलिक पेंटिंग, ए वाली जिहड़ी इंक पेंटिंग कीती हुई है, दिस इज इंक पेंटिंग जिहड़ी है एदे विच अलग तरह दी केमिकल्स नूं यूज करके फिर बनाई हुई है गुरु नानक जी दी। ते फिर उस तो बाद दिस इज जेंटेंगल, जेंटेंगल दे विच होएगा कि तुसी जिहड़े पासे मर्जी तुसी टर्न करोगे एदी डिजाइनिंग डिफरेंट है। फिर दिस इज क्विलिंग वर्क विच हैज बीन डन ऑन वॉल पेपर्स, वॉल पेपर से करोगे तुसी थोड़ा निकल जाता है एकदम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट ऑन डायरेक्टली ऑन वॉल पेपर, बट एदे विच मैं उस तरह करके दिखाया, नेवर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इट। फिर उस तरह ही दिस इज कॉफी पेंटिंग, this is acrylic painting, this is also coffee painting merged with watercolor painting, so these are all acrylic paintings, this is fluid art work with spade art emerging kiti hui hai dono di, fir this is only fluid art work and I made it in one night evala in at least 4 hours which I complete ho gayi evala mai ki nahi aaj ki care service and welfare society as a teacher work kar rahi hu। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये जो स्टिचिंग का बनाया हुआ है, ये सब गर्ल्स ने बनाया है, ठीक है, जो गरीब हैं नीडी हैं हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो एज इट इज जैसे ये प्रोडक्ट बनाती हैं तो हम उसको आगे एज अ डोनेशन में उनको खरीद के डोनेशन में देते हैं, ठीक है, और हम बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं बाद में उनको फ्यूचर में और सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। सर इंटीरियर के उसमें है बेसिकली वॉल है और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये डोर है, दिस इज़ अ स्टेप और ये पिलर। डोर मीन्स कि हम जब ओपन डोर अभी कम्प्लीटली बनाए, ये जस्ट ये ओपन होगा डोर, यहाँ पे कुंडा लगेगा, ओपन मीन्स कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हम जब दरवाज़ा ओपन करते हैं, दरवाज़ा ओपन करेंगे तो हम बाहर को निकलेंगे तो हम अपने आप को बहुत जगह स्प्रेड कर सकते हैं। अगर हम डोर बंद करके घर के अंदर बैठ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दरअसल ये है, ये वॉल होगी बड़ी सी और उसमें हम दरवाज़ा बनाएंगे, दरवाजे से तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के अपने आप को एक्सपोजर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है। मेरा नाम मंजीत कौर है और मैं दिल्ली ललिता से आई हुई हूँ और अभी मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हो चुकी हूँ और मैं फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे कैंप में आई हूँ। इस कैंप में मैं पेंटिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने पिचुई आर्ट बनाई है, ये साउथ की पेंटिंग है और ये फोक आर्ट है।
मैंने कहा टाइम कम है तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को इंटरेस्टिंग काम करना चाहिए, तो ये पिक्चर ये जो काऊ से डिपेक्ट होती है, ये पेंटिंग काऊ और श्री कृष्ण और लोटस से डिपेक्ट होती है, उसमें कलर सॉफ्ट होते हैं, मैंने ये पेंटिंग पिछवाई है। मैम चंडीगढ़ में इस तरह का जो ये अर्बन शो या जो भी है ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार करवा रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या व्यू है, क्या ये इनिशिएटिव अच्छा है, आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा या लोगों को जानने का मौका मिलेगा, किस तरह से आप देखते हैं इसको? मेरे ख्याल से अभी आर्टिस्टों का इतना यहाँ पे स्कोप नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम मैं तो यहाँ पे आ रही हूँ, और स्कोप होना चाहिए, मतलब इन कार्निवल वालों को थोड़ा सा और आर्टिस्टों को स्कोप देना चाहिए ताकि यहाँ पे विजिटर्स भी आएँ, बच्चे भी स्कूल के आएँ, आर्ट भी सीखें, जैसे हम लोग लाइव काम कर रहे हैं तो बच्चे भी यहाँ पे आके सीखें, वो देखें कि किस तरह ये काम होता है, और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में और अच्छा हो और बढ़िया हो। सिमरिए उस परमात्मा नू जिसने रचदिया खेत तमाशा है जी, फेर सिमर लइए माता पिता ताई जिन्हें पाल दिया लाडला काका है जी, फेर सिमर लइए धरती माता ताई जिस पर हो गया जगत का वासा है जी, जिसने गौण का दे दिया साका है जी, आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली बार किसी और जगह पे।